हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत यदि आप भी इंटर्नशिप करना चाहते हैं 2024 में न्यू प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये तो हम बताएंगे। हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, बट आज के इस वीडियो में बताऊँगा कि क्या क्वालिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन और दोस्त किन किन सेक्टर्स में आप कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स यहाँ पे हैं, वो वेरियस सेक्टर्स भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। यदि मान लीजिए यदि आप टेक्निकल नहीं है, नॉन टेक्निकल है, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए कुछ भी आपने कर रखा है, तो आपके लिए यहाँ पे वो सेक्टर अवेलेबल है या नहीं है। यदि आप टेक्निकल से हैं, आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री कुछ भी कर रखा है आपने टेक्निकल से, तो यहाँ पर आपके लिए सेक्टर अवेलेबल है कि नहीं है, वो सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बस इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन के बंदे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पर ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो है 2024 में न्यू लॉन्च हुआ है, तो दोस्त यहाँ पर 12 महीने का रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप किसी भी इंडस्ट्री में ले सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है। यहाँ पर आप जो थ्योरी पढ़ते हैं इंडस्ट्रीज में या फिर आप जो थ्योरी पढ़ते हैं कॉलेजों में, वो प्रैक्टिकली आप किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप के दौरान सीख सकते हैं, जाकर वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिलता है। अब आपको बता दें, यहाँ पे पीएम के द्वारा 4,500 रुपये आपको इंटर्नशिप में मिलता है महीने का, और 500 रुपये मिनिमम कंपनी देगी, बट इससे ज़्यादा ही कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आपको कोई काम का ज़्यादा लोड नहीं रहता, हल्का फुल्का काम कराया जाता है। अब दोस्त आपको बता दें, यहाँ पर आपका एक फ़ायदा ये भी है, यहाँ पर आप 6,000 रुपये क्लेम कर सकते हैं यदि इंटर्नशिप करते दौरान आपको कुछ हो जाता है। तो आप बता देता हूँ आपको सेक्टर कौन कौन से सेक्टर अवेलेबल है जिन सेक्टर में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है। पर आपको आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं, और यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हाउसिंग कंपनी है, हेल्थ केयर कंपनी है, गेम्स एंड ज्वेलरी है, FMCO है, अब यहाँ पे ऑटोमोबाइल है, और यहाँ पे कंसल्टेंसिंग सर्विस है, और केमिकल इंडस्ट्री है आ जाती है, सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स है, बैंकिंग फाइनेंस है, और यहाँ पे एविएशन एंड डिफेंस है, ऑटोमोबाइल है, एग्रीकल्चर है, ट्रेवल एंड हॉस्पिटल है, और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है, टेलीकॉम है, और यहाँ पे रिटेल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, ऑयल गैस एंड एनर्जी कंपनीज हैं, मेटल माइनिंग्स है, मीडिया इंटरटेनमेंट एजुकेशन आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ जाती है। अब दोस्त यहाँ पर ये सारे सेक्टर्स हैं, अब आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप यहाँ पर अपना वो सेक्टर चूज़ करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 500 से ज़्यादा कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं, आप यदि किसी भी कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी है, तो यहाँ पर जब आप रजिस्टर करोगे तो यहाँ पर आप जैसे ही क्वालिफिकेशन डालोगे तो आपकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग्स आपके सामने आपके सेक्टर्स की सारी कंपनियाँ आ जाएंगी। जिस भी कंपनी से आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप उन सारे मान लीजिए कंपनी में अप्लाई कर देते हैं 10 से 12 कंपनी में, तो जिस भी कंपनी के लिए आप एलिजिबल हैं, जहां पर भी जगह है इंटर्नशिप के लिए, वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। वहां पर बस आपको डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाना होता है कंपनी में, और वहां वेरिफिकेशन होगा, और वहां पर से आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। रजिस्टर्ड कैसे करना है, इसके लिए आप यूट्यूब में बहुत से वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पीएम इंटर्नशिप स्कीम में रजिस्टर कैसे करना, तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है। लेकिन यहाँ पर रजिस्टर नाउ जहाँ पर लिखा हुआ है, यहीं पर आप क्लिक करेंगे, बस अपना डाटा फिल करेंगे। रजिस्टर कैसे करना है आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, तो इस पर वीडियो बना दूंगा डेडिकेट कैसे रजिस्टर करते हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारी कंपनी है, यहाँ पर यदि आप मैकेनिकल से हैं तो हनीवेल है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, फोर्स है, हीरो है, यहाँ पर TVS है, बहुत सारी ऑटोमोबाइल की कंपनी है, फार्मा कंपनी है, बैंकिंग है, बहुत सारे सेक्टर्स है जो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 500+ कंपनी इंडिया की, वो भी टॉप टॉप कंपनी सेलेक्ट की गई है। सो आई होप आपको वीडियो सेल्फ मिलता है, यदि हेल्प मिलता है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।